हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइप ट्यूटोरियल्स और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइज, ये हमारी सीएसएस की हिंदी उर्दू सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो गाइज, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी अपने आप में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिससे हम किसी भी वेब पेज में या HTML एलिमेंट में बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड सेट करने से क्या होता है, हमारे वेब पेज की रीडेबिलिटी बढ़ती है और इंटरैक्टिविटी और खूबसूरती बढ़ती है। तो आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। वेलकम बैक। तो गाइज, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को समझने से पहले आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो गाइज, मैंने गूगल क्रोम में एक वेबसाइट खोली हुई है AR रहमान की, और देखिए इसमें AR रहमान साहब का बैकग्राउंड में एक फ़ोटो पड़ा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है AR रहमान कंपोज़र प्लस परफॉर्मर। तो देखिए ये वाइट कलर में लिखा हुआ है और डार्क कलर की पीछे बैकग्राउंड है, तो थोड़ा सा और रीडेबिलिटी बढ़ी और खूबसूरती बढ़ी। ऐसे ही दूसरा आप देखें कि ये मैंने रेड चिली की वेबसाइट खोली हुई है, तो रेड चिली की जो वेबसाइट है इसमें देखिए ये एक आर्टिकल है ऊपर, जिसे हम सेक्शन भी कह सकते हैं, और उसके पीछे बैकग्राउंड लगी हुई है। और इसके अलावा देखो, मैंने एप्पल की वेबसाइट खोली हुई है और इसके नीचे जब हम आते हैं देखो यहाँ पर, तो देखो आईफोन 11 प्रो का जो एड है यहाँ पर तैयार है, और देखो इसके पीछे इस आर्टिकल में इसकी बैकग्राउंड लगी हुई है। तो ये जो एग्जाम्पल देखें इसमें, तो आपने सिंपल तरीके से वेब पेज में बैकग्राउंड लगी हुई देखी है, लेकिन इसके अलावा हम मल्टीपल बैकग्राउंड्स और मल्टीपल बैकग्राउंड्स के साथ PNG, JPEG कम्बिनेशन को भी लगा सकते हैं। तो आइए बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ समझते हैं और बाद में हम प्रैक्टिकल करेंगे। CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज़ वेब पेजेस में बैकग्राउंड सेट करने के लिए किया जाता है। नॉर्मली बैकग्राउंड बॉडी एलिमेंट में डिफाइन किया जाता है, जो हमारे पूरे वेब पेज में अप्लाई हो जाता है। अगर हम चाहें तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, डिवीजन, आर्टिकल, सेक्शन एक्सेट्रा, इनके लिए भी बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड को कंट्रोल करने के लिए और भी बहुत सारी CSS प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो CSS प्रोवाइड कराता है, जैसे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड पोजिशन, बैकग्राउंड रिपीट एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी होती हैं। इसमें हम बैकग्राउंड कलर को तो पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं, जो ये ऊपर पॉपअप आ रहा है इस पर आप क्लिक करके उस ट्यूटोरियल को पढ़ सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल में जानकारी दी है बैकग्राउंड कलर के बारे में। लेकिन आज हम इस ट्यूटोरियल में क्या क्या पढ़ेंगे, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड पोजिशन। अब इनकी कुछ वैल्यूज़ हम आज कवर करेंगे और इसके अलावा इसके सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट में हम और इनकी वैल्यूज़ को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं करके इसका प्रैक्टिकल। तो गाइस, ये डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप पे मैंने एक ऑल टाइप ट्यूटोरियल्स नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर मैंने देखिए एक इमेज नाम का फोल्डर है जिसमें इमेजेस रखी हुई हैं, और बाहर index.html और CSS की फाइल बनाई हुई है, और ये फाइल मैंने एक सॉफ्टवेयर में खोली हुई है जिस सॉफ्टवेयर का नाम है Dreamweaver, और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। Dreamweaver सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैंने यूज़ किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है, और इसको एडिट करने के लिए, अपने कोड को, टेक्स्ट को एडिट करने के लिए इसको यूज़ करें। और इसका रिज़ल्ट हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर गूगल क्रोम खुला हुआ है, यहाँ पर रिज़ल्ट देखेंगे इसका। तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ पर Dreamweaver में। तो Dreamweaver मैंने ये एक HTML डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, और यहाँ पर main.css ये लिंक की हुई है फाइल, जो कि मैं पहले इसको करा चुका हूँ कैसे लिंक की जाती है फाइल किस तरह से, पिछले ट्यूटोरियल्स में मैं करा चुका हूँ इसको। और यहाँ पर ये जो फाइल है main, वो मैंने यहाँ खोली हुई है, ये main.css। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो बॉडी है, बॉडी में बैकग्राउंड को सेट करके दिखाने वाला हूँ आपको। तो हम क्या चलते हैं, यहाँ पर main में चलते हैं और मैन में लिखते हैं बॉडी, और बॉडी लिखने के बाद हम कर्ली ब्रेक्स स्टार्ट करते हैं, और कर्ली ब्रेक्स के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज, जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको पढ़ने वाले हैं, बैकग्राउंड, फिर लिखे इमेज, बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज लिखने के बाद में इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट और URL। इन सब को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम URL की बात करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, इसको URL पर को यहाँ पर ले लिया। अब URL को लेने के बाद में डबल कोट्स स्टार्ट करते हैं, और डबल कोट्स के बाद इसके अंदर हम लिखते हैं उस फोल्डर का नाम जिस फोल्डर के अंदर इमेजेस पड़ी हुई हैं। मैं दिखा देता हूँ, इमेजेज नाम का फोल्डर है, हम पहले इसका नाम लिखेंगे और बैक स्लैश लगाकर फिर उसके अंदर जो इमेज पड़ी हुई है उसका नाम लिखेंगे।
तो देखिए हमारे पास ये N1, N2, N3 ये बहुत सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो हम वही करते हैं। चलिए वहाँ पर, और यहाँ पर हमने लिख दिया देखो इमेज, और इमेज लिखने के बाद बैकस्लैश, और यहाँ पर हम बता देते हैं कौन सी इमेज लेनी है आपको। तो हमने सबसे पहले हम लेते हैं N1 इमेज, N1.jpg, हमने JPG इमेज ली, और इसके बाद में लास्ट में यहाँ पर हम बंद कर सकते हैं इसको। तो हमने सेमीकोलन से इसको बंद कर दिया, ये कंप्लीट डिक्लेरेशन हो गया, और इसको हम सेव करते हैं। सेव करके हम चलते हैं वहाँ पर जहाँ ये हमारी फाइल दिखेगी। देखिए हम जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये फाइल यहाँ पर आ चुकी। अब यहाँ पर एक बात देखें आप, ये इमेज इतनी बड़ी है और इसके बाद में यही इमेज दोबारा रिपीट हो गई, नीचे भी और ऊपर भी। तो ये इमेज क्यों रिपीट हो रही है, क्यों दिख रही है हमें? एक्चुअली ये छोटी इमेज है और इमेज बाय डिफॉल्ट रिपीट ही होती हैं बैकग्राउंड में। इसके अलावा अगर आप बड़ी इमेज लेंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बैकग्राउंड ये उससे बाहर निकल जाएगी। तो मैं एक बड़ी इमेज लगाकर भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर N2 लगा दें आप, N2 जो बड़ी इमेज है देखो ये, और सेव करें, और इसके बाद जब यहाँ पर आकर देखेंगे रिफ्रेश करके तो देखो ये बड़ी इमेज है, ये बाहर निकल गई। इसमें पता नहीं लग रहा कि ये रिपीट हो रही है नहीं हो रही। लेकिन अब मैं छोटी इमेज वापस लेता हूँ, और वापस छोटी इमेज लेने के बाद में ये रिपीटिंग तो है, लेकिन मैं क्या करता हूँ इसका साइज भी डिफाइन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने कर दिया बैकग्राउंड बैक GROUND बैकग्राउंड, और यहाँ पर लिख दिया हमने साइज। बैकग्राउंड साइज लिखने के बाद में इसमें तीन वैल्यू होती हैं, ऑटो, कंटेन और कवर। तो देखो ऑटो जो होती है ये वैल्यू होती है कि जो साइज है वही रहे, जो साइज है वही रहे। सेव करें, रिफ्रेश करें, और देखो यहाँ पर आप इसे F5 करके देखें, वो सेम साइज रहेगा जो था। तो इसके अलावा देखिए हम अगली वैल्यू लगाते हैं यहाँ पर कवर। तो कवर हम लगाएं, और कवर लगाने के बाद सेव करें। सेव करने के बाद जब यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देखिए पूरे पेज में कवर हो जाएगी, चाहे छोटी इमेज हो या बड़ी इमेज हो। अब देखो मैं बड़ी इमेज लगा के दिखाता हूँ आपको, जो बड़ी इमेज थी उसको भी करके दिखाता हूँ, N2 करके दिखाता हूँ, और सेव करता हूँ। यहाँ पर आकर देखें तो देखो ये भी कवर हो गई, पूरी इमेज आ रही है पूरे पेज पर, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ से कवर ला सकते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी है इसमें कंटेन। तो देखिए कंटेन को हम जब इस्तेमाल करेंगे, जब हम किसी आर्टिकल में यूज़ करेंगे, इसको हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखें, ये तो मैंने कर दिया आपको कवर और ऑटो, इसके अलावा आप यहाँ पर साइज भी डिफाइन कर सकते हैं। साइज डिफाइन कैसे करेंगे, मैंने कर दिया 500 पिक्सल। जैसे ही 500 पिक्सल किया तो ये हो गया विड्थ। अब हम सेव करते हैं, और सेव करके रिफ्रेश करें, देखिए 500 पिक्सल की विड्थ हो गई। अब हाइट चाहे जो भी हो, 500 पिक्सल विड्थ हो गई। अब 500 पिक्सल विड्थ के बाद ये रिपीट हो रही है, क्योंकि इसे ये तो रिपीट बाय डिफॉल्ट होती ही है, ठीक है। हम इसको रिपीटेशन को भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अब अगर हम इसमें दो बार लगा दें 500, और उसके बाद लगा दें यहाँ पर 200 या 500, जो भी लगाना चाहे। मैंने लगा दिया इसको 500 ही लगा दिया, 500 पिक्सल। तो देखिए अब इसको हम जैसे रिफ्रेश करते हैं, देखो 500 विड्थ और 500 हाइट, ये ऑटोमेटिक उतना ही साइज जितना आप लगाएंगे वो ले लेगा। लेकिन अगर विड्थ लगाते हैं तो हाइट जो है ऑटोमेटिक चलती है, और अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं कि हाइट भी हमारे हिसाब से हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम साइज डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर 500 पिक्सल ही रहने देता हूँ, और इसके बाद लगाता हूँ रिपीट। तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड रिपीट। तो बैकग्राउंड रिपीट, अब बैकग्राउंड रिपीट के बाद में इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, नो रिपीट, रिपीट और रिपीट एक्स, रिपीट वाई, राउंड और स्पेस, इन सब को हम करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नो रिपीट। तो नो रिपीट जब हमने लगाया और जैसे ही सेव किया, सेव करके हम यहाँ जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं जैसे, तो देखिए रिपीटेशंस ख़त्म हो गया, आगे रिपीट नहीं हो रही हमारी इमेज। और अगर आप यहाँ पर लगा दें रिपीट एक्स, अगर आप लगा दें यहाँ पर रिपीट एक्स, सेव करें और सेव करके रिफ्रेश करें, तो देखो एक्स एक्सिस पे रिपीट हो रही है। अगर आप लगा दें यहाँ रिपीट वाई, तो देखो जैसे हम सेव करते हैं रिपीट वाई, तो वाई एक्सिस पे रिपीट हुई। और अगर आप इसको लगा देते हैं रिपीट, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रहता ही है रिपीट। सेव करें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो है ही, ठीक है, देखिए रिपीट हो रहा है। इसके अलावा इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रिपीट के बाद में आपका इसमें आएगा अगले हैं देखिए राउंड और स्पेस। राउंड और स्पेस को हम जब यूज़ करेंगे, जब हम कहीं और आगे आर्टिकल के अंदर ये इमेजेस बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और इसके अलावा अब देखिए मुझे इसमें एक से ज़्यादा इमेजेस चाहिए। अगर एक से ज़्यादा इमेजेस चाहिए तो उनको कैसे हैंडल करेंगे ये भी आप समझ लीजिए। तो देखिए अब अगर एक से ज़्यादा इमेज चाहिए हो तो ये जो है URL, इसके बाद हम कॉमा लगाते हैं,
कॉमा, और यहां पर देते हैं एन वन, हमने दिया एन वन, और यहां लगाया हमने कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद फिर से हम यूआरएल देते हैं, और यूआरएल देने के बाद इमेजेस के अंदर एन टू लगाते हैं, एन टू डॉट जे पी जी, ये हमने लगाया, ये दो इमेजेस हो गए। मैं इसको एंटर मार के नीचे ले आता हूँ, देखो ऐसे इसको और अच्छे से समझ पाएंगे आप कि ये एन वन और एन टू हो गया। और मैं तीसरी इमेज भी इसमें लगा देता हूँ, लगे हाथों में यू आर एल फिर लिखता हूँ, और तीसरी इमेज एन थ्री लगा देते हैं, एन थ्री, और यहाँ पर दूसरी के बाद भी हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। देखिए मैंने इस दोनों तीनों को सेव किया, सेव करने के बाद में हम देखो यहाँ पर जाते हैं, और जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो इसमें अभी हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि हमें सबसे पहली वाली इमेज शो हो रही है। तो हम क्या करते हैं, साइज डिफाइन करते हैं, तो हमने क्या किया यहाँ पर बैकग्राउंड साइज हम ले लेते हैं, बैकग्राउंड साइज। अब बैकग्राउंड साइज जब हमने लिया तो हमने बता दिया यहाँ पर कि भाई कितना कितना बैकग्राउंड साइज होना चाहिए, तो जैसे मैंने इसको बता दिया कि 500 पिक्सल जो है बैकग्राउंड साइज आप रख दीजिए, सेव करें, और सेव करने के बाद रिफ्रेश करें तो देखो 500 बैकग्राउंड का साइज और नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर दीजिए, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, नो रिपीट आपने कर दिया, सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश करें तो देखो ये इमेज आई, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, और इसके पीछे ये इमेज छुप गई होंगी जो तीनों इमेजेज हैं। अब क्या करते हैं कि बैकग्राउंड रिपीट जो है ये तो आपने कर दिया नो रिपीट नो रिपीट, अब तीनों तीन बार लिख दीजिए नो रिपीट इनको, क्योंकि तीन इमेजेज हैं, तीनों को हम नो रिपीट करना चाहते हैं, तो हमने कर दिया जी नो रिपीट, और कॉमा लगाकर फिर से हमने क्या कर दिया जी नो रिपीट, तीन इमेजेज हैं, तीनों को हमने नो रिपीट कर दिया। इसको बाद में ले लेते हैं, चलिए कंट्रोल एक्स दबाकर, और इसको जो है इसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं, ऐसे हमने ये कर दिया नो रिपीट। अब सेव करें, सेव करके रिफ्रेश करें तो देखो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने क्या काम किया बैकग्राउंड साइज जो 500 है ये बैकग्राउंड साइज 500, और फिर मैंने इसको दे दिया कॉमा, फिर मैंने कर दिया 500 और फिर पिक्सल, और फिर मैंने कॉमा दिया और फिर मैंने 500 पिक्सल कर दिया, ऐसे तो मैंने तीनों को अलग अलग 500 पिक्सल कर दिया। तो अब यहाँ पर आप ये देखें कि तीनों इमेज 500 पिक्सल हैं तो एक दूसरे को ऊपर होंगे दिखाई नहीं दे रही, तो एक को हम बड़ा करके देखते हैं, इसको हम 600 करके देखते हैं, 600 सेव करते हैं और रिफ्रेश करें तो देखो नीचे वाली इमेज बड़ी हो गई। तो और बड़ी करके दिखाता हूँ आपको, इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको 900 और इसको करके दिखाता हूँ 700। तो देखिए अब आपको ये समझ आ जाएगा कि एक दूसरे के ऊपर हैं इमेजेस, ठीक है, ये पहली इमेज, इसके बाद ये इमेज, इसके बाद ये तीनों इमेजेस हैं, लेकिन हम लगाना चाहते हैं इनको हाइट के हिसाब से बराबर बराबर आगे करके लगाना चाहते हैं इमेजेस को, तो उनके लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए या तो आप फोटोशॉप से बना कर ले आएँ इमेज को अपने हिसाब से कि भाई क्या साइज़ होना चाहिए उस हिसाब से, या फिर आप यहाँ पर भी साइज एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक तरह से श्रिंक होकर अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर कुछ, और अगर आप बैकग्राउंड फोटोशॉप से बना कर लाएंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। तो यहाँ पर कैसे काम करेगा देखो ये भी आप समझ लें, बैकग्राउंड पोजिशन की बात करें हम, बैकग्राउंड पोजिशन पहले हमने यहाँ पर 500 पिक्सल ही कर दिया तीनों को, और फिर बाद में देख लेंगे कितना कम ज़्यादा होगा। और यहाँ पर हमने बैकग्राउंड पोजीशन आपने बैकग्राउंड पोजीशन लगाया। अब देखो बैकग्राउंड पोजीशन में बॉटम, सेंटर, लेफ्ट, राइट, टॉप ये सब आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं इसका मेजरमेंट करके बता रहा हूँ कि भाई पहली जो इमेज है वो एक्स एक्सिस की तरफ एक्सिस 0 पिक्सल रहे और वाई एक्सिस की तरफ भी 0 पिक्सल रहे। इसके बाद कॉमा लगाइए, दूसरी इमेज जो है वो 500 पिक्सल एक्स एक्सिस की तरफ चले और वाई एक्सिस की तरफ 0 पिक्सल रहे, फिर कॉमा लगाइए, फिर तीसरी पिक्सल जो है वो 1000 पिक्सल एक्स एक्सिस की तरफ चले और वाई एक्सिस की तरफ 0 पिक्सल चले। ये मैंने तीनों के बारे में बता दिया और इसको सेव किया, सेव करके जैसे ही मैंने लगाया तो देखिए 500 पिक्सल ये जो है एक्स एक्सिस की तरफ, ये 500 पिक्सल यहाँ तक चली और इसके बाद 500 के बाद ये चली और इसके बाद ये चली। लेकिन आप इसको थोड़ा साइज़, ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, थोड़ा साइज़ छोटा करके देखते हैं तो हमें उसी हिसाब से ये भी करना पड़ेगा। साइज़ करते हैं हम इसका, हम एक साथ भी साइज़ डिसाइड कर सकते हैं इन सब का, मैंने कर दिया तो ये आपका हो गया 6460 और यहाँ पर हमने कर दिया 460 और यहाँ पर हमने कर दिया 6 दुनी 12 92,
तो सेव करें और सेव करके इसको जाएं देखें तो ये थोड़ा ठीक है। अब हाइट आप डिसाइड कर सकते हैं, इनकी हाइट सबकी हाइट बढ़ा सकते हैं, ये तो श्रिंक हो जाएगा। और इसको सही तरीके से अगर आपको लाना है तो फोटोशॉप से लेकर आ सकते हैं। तो बैकग्राउंड साइज में हमने इसका कर दिया और हाइट हमने कर दी इसको स्पेस देकर 800 पिक्सल। और जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो देखिए ये हाइट सबकी 800 पिक्सल हो गई, और ज़्यादा हो गई थोड़ी कम कर लें। यहाँ पर जो है ये 6 की बजाय 700 ही क्यों नहीं कर दो, सीधा सेव करो। और सेव करके रिफ्रेश करें तो देखो 700 पिक्सल मैंने हाइट कर दी, और ये देखो 3 इमेजेस मेरे सामने यहाँ पर मैंने लगा दी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा इमेजेस भी लगा सकते हैं। इसका और भी बहुत अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल करके देखेंगे, PNG इमेजेस कैसे लगती हैं और बैकग्राउंड में किस तरह से इसकी और जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे यूज़ होंगी, ये सब हम अगले ट्यूटोरियल में करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही, बहुत लंबा हो गया ट्यूटोरियल, तो ट्यूटोरियल में इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। अगले ट्यूटोरियल में पार्ट सेकंड में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो फिर तो कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, आपको जो भी लगा हो, अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं रेगुलर बनाने वाला हूं वीडियोस, अगर आप उनको कंटिन्यू चाहते हैं और आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।